हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नमीबिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप का जो 34वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, एक तरफ है नमीबिया की टीम जो कि एलिमिनेट कर चुकी है और अब ये क्वालिफाई तो नहीं करने पाएगी, लेकिन दूसरी तरफ है दोस्तों इंग्लैंड की टीम जिनका अभी भी क्वालिफिकेशन का चांसेस बना हुआ है। और अगर इस मुकाबले में ये जीतती हैं तो दोस्तों क्वालिफाई कर सकती हैं अगर ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड को हरा दे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं नामीबिया की तरफ से, तीन चार ऐसे प्लेयर्स जिनको आप लोग इस मुकाबले में ले सकते हैं, और क्या हमें इंग्लैंड की तरफ से 7 या 8 प्लेयर को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और खास करके अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो जॉस बटलर को कैप्टन करना चाहिए या नहीं, और अगर दोस्तों इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग करती है तो बॉलर्स को कौन से बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी और खास करके कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में जानेंगे, स्मॉल लीग के टीम के बारे में। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है आज रात में 10:30 बजे से खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में ये मुकाबला होगा, और इस ग्राउंड पर दोस्तों पिछला मुकाबला इंग्लैंड ही जीत कर आ रही है। और खास बात यह है कि दोस्तों मात्र 47 रन पर ओमान को ऑल आउट कर दी थी। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर 9 मुकाबले हुए हैं, पहले बैटिंग करने वाली टीम 4 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 5 बार। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सीजन इस वर्ल्ड कप में जितने भी मुकाबले इस ग्राउंड पर हुए हैं सारे मुकाबले चेस करते हुए टीम जीती है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग कराएगी। एवरेज स्कोर 128 रन का है दोस्तों, लोएस्ट स्कोर 172 रन का है, सॉरी दोस्तों हाईएस्ट स्कोर 172 रन का है, लोएस्ट स्कोर 47 रन पर ओमान ऑल आउट हो गई थी पिछले मुकाबले में। स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पर 6 बार लो स्कोरिंग मैच हुआ है, 150 और 170 के बीच में यहाँ पर 2 बार स्कोर बना है, 170 और 190 के बीच में मात्र 1 बार। ये तो होगी दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो इस वर्ल्ड कप के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इन तीनों मुकाबले के स्टैट्स के ऊपर। तो पिछला मुकाबला इंग्लैंड 8 विकेट से जीती थी, जिसमें ओमान 47 रन पर ऑल आउट हो गई थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिला था और स्पिनर्स को 4 विकेट। और उससे पहले ये ऑस्ट्रेलिया दोस्तों 9 विकेट से जीती थी, ये भी दोस्तों बहुत ही जल्दी नामीबिया को ऑल आउट कर दी थी 72 रन पर ही, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट मिला था। और उससे पहले स्कॉटलैंड 7 विकेट से जीती थी। तो दोस्तों क्या इस मुकाबले में कौन से प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहिए, खास करके बॉलर्स, वो तो डिटेल में जानेंगे ही। और इन जो 3 मुकाबले हुए हैं तीनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को दोस्तों 21 विकेट मिली और स्पिनर्स को 11 विकेट, जिसमें फर्स्ट इनिंग में दोस्तों फास्ट बॉलर ने लिया है 16 विकेट और स्पिनर्स ने 10 विकेट, और सेकेंड इनिंग में दोस्तों फास्ट बॉलर को मात्र 5 विकेट मिली और स्पिनर्स को 1 विकेट। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि जो बड़ी टीम है यहाँ पर पहले बॉलिंग करा रही है, इसीलिए पहले इनिंग में आपको यहाँ पर ज़्यादातर विकेट गिरते हुए दिखे हैं। तो अगर इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग कराएगी तो हो सके फिर से फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरे, और अगर इंग्लैंड की टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो हो सके सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरे। अब इसके बाद डायरेक्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हुआ है दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड में। रिसेंट फॉर्म नामीबिया का कुछ खास नहीं है, पिछला दोनों मुकाबला हारी है दोस्तों वर्ल्ड कप में, पहला मुकाबला सुपर ओवर में जीत कर आ रही है। और वहीं इंग्लैंड का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो एक मुकाबला तो इनका रद्द हो गया है, तभी दोस्तों मुश्किलें में पड़ गई हैं, पिछला मुकाबला इस ग्राउंड पर जीत कर आ रही है और एक मुकाबला ये हारी है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी इंग्लैंड के इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो आपको सबसे पहले ओपनिंग करते हुए फिलिप सॉल्ट के साथ जॉस बटलर दिखेंगे, फिर विल जैक, जॉनी ब्रेस्टो, हैरी ब्रूक, फिर लियाम लिविंगस्टोन, मोहन अली, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, रेस्ट ओपली और मार्क हुड। तो अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो टॉप के आपको बैट्समैन पर फोकस करना है, और इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग कराती है तो आप लोग सारे बॉलर्स को ले सकते हैं। पावर प्ले में आपको जोफ्रा आर्चर और रेस्ट ओपली बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी ओवर है मार्क हुड और जोफ्रा आर्चर। अब दोस्तों सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को बोल दूं कि जो लोग भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किए हैं दोस्तों फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप सभी को बिल्कुल फ्री में टॉस के बाद टीम्स मिलेगी। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं भाई लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके बाद इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले टॉप ऑर्डर के बैट्समैन फिलिप सॉल्ट की बात करें जो कि पिछले मुकाबले में 12 रन बनाने पाए थे और उससे पहले 37 रन और 45 रन की पारी खेले हैं, तो ओवरऑल अच्छे फॉर्म में हैं। आईपीएल में भी इनका रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा ही था जो कि आप सभी को पता है, तो इस मुकाबले के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे।
वहीं जॉस बटलर पिछले मुकाबले में 24 रन की पारी खेले थे, बहुत ही इनका अच्छा स्ट्राइक रेट था, बहुत ही आसानी से टारगेट चेस कर लिए थे। उससे पहले 42 रन, फिर 39 रन, रिसेंट में भी दोस्तों 84 रन, 107 रन और 100 रन आईपीएल में बनाए हैं, ये तो आपको पता ही है। तो दोनों ओपनर्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, तो दोनों ओपनर्स कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहेंगे अगर इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग करती है, पहले बैटिंग करती है तब। अब विल जैक की बात करें तो उतने अच्छे फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा है और नमीबिया उतनी बड़ी टीम नहीं है तो फिर भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछले मुकाबले में मात्र 5 रन बनाए थे, उससे पहले 10 रन और फिर 20 रन। तो विल जैक को आप लोग ले सकते हैं क्योंकि नमीबिया उतनी बड़ी टीम नहीं है और इंग्लैंड की टीम अच्छे फॉर्म में आ चुकी है, तो ये भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब जॉनी बेयरस्टो की बात करें तो दोस्तों अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि फिर तो दोस्तों इंग्लैंड खुलकर खेलेगी और कोशिश करेगी 200 के ऊपर रन बनाने के लिए और दोस्तों फिर जॉनी बेयरस्टो का मौका मिलेगा। लेकिन अगर इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग कराती है तो हो सके 70-80 रन पर ऑल आउट कर दें नामीबिया को, फिर दोस्तों आसानी से टॉप के बैट्समैन टारगेट को चेस कर लेंगे, फिर जॉनी बेयरस्टो का मौका नहीं मिलेगा। और पिछले मुकाबले में भी केवल उसी तरह हुआ था, 8 रन ही बनाने पाए थे, नॉट आउट रहे थे, फिर उससे पहले 7 रन, फिर 28 रन। रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा है, 100 रन भी बनाए हैं आईपीएल में। अब मोहिन अली की बात करें तो अच्छे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों कराएंगे, लेकिन पिछला मुकाबला जो हुआ था इंग्लैंड और ओमान के बीच बहुत ही जल्दी जल्दी मैच खत्म हो गया था तो इनको मौका नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले 25 रन, एक विकेट और एक विकेट लिए हैं रिसेंट में, 2 विकेट, बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। तो एज अ ऑलराउंडर आप लोग मोहिन अली को ले सकते हैं। अब हैरी ब्रुक की बात करें तो इनका भी कंडीशन बिल्कुल सेम है कि दोस्तों केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, पिछले मुकाबले में मौका नहीं मिला और उससे पहले 17 रन नॉट आउट, 20 रन नॉट आउट की पारी खेले हैं, तो ये भी दोस्तों केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। लियाम लिमिस्टोन की बात करें तो दोस्तों अगर आप लोग एज अ बैट्समैन इनको ले रहे हैं तो आपको लोग इनको ड्रॉप कर दीजिएगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर अच्छे फॉर्म में आ चुकी है तो इनको बैटिंग मिलने का चांसेस कम है, और एज अ ऑलराउंडर ले रहे हैं तो बॉलिंग तो कराएंगे, पिछले मुकाबले मौका नहीं मिला था, रिसेंट में 2 विकेट और 1 विकेट इनको मिला है। जोफ्रा आर्चर की बात करें तो पिछले मुकाबले में 3 विकेट मिला है, रिसेंट फॉर्म अच्छा है। आदिल राशिद को पिछले मुकाबले में 4 विकेट, रिसेंट फॉर्म अच्छा है। मार्क वुड को पिछले मुकाबले में 3 विकेट, रिसेंट फॉर्म ठीक ही ठाक है। और रेस टोपली को पिछले मुकाबले में 1 भी विकेट नहीं मिली। तो अगर इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग कराती है तो आप लोग तो चारों बॉलर्स को आंख बंद करके ले लीजिएगा, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कौन से बॉलर को विकेट मिलेगी, तो चारों इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो इनमें से 3 को तो आपको लेकर चलना ही है। ये हो गए दोस्तों इंग्लैंड टीम के सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म, और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पर मैंने लिख रखा है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं नामीबिया की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों नामीबिया की तरफ से आपको मिचेल वैन लेगिन ओपनिंग करते हुए दिखेंगे निकोलस डिवाइन के साथ, फिर यहाँ पर फ्रेलिंक आएंगे, फिर यहाँ पर जी इरास्मस कप्तान, जेजे स्मिथ, डेविड वेस ऑलराउंडर हैं, फिर यहाँ पर जेन ग्रीन, फिर रूबेन ट्रम्पलमैन, फिर यहाँ पर बी स्कॉल्स, फिर यहाँ पर बिन सिकोकोंगा को पिछले मुकाबले में खेला गया था, और यहाँ पर जैक ब्रेसेल जो कि पिछले मुकाबले में खेले थे। पावर प्ले में आपको ट्रम्पल मैन, डेविड वेल बॉलिंग करा था दिखेंगे, और आखिरी ओवर में डेविड वेल्स और ट्रम्पल मैन। तो दोस्तों कौन से प्लेयर हैं नामीबिया की तरफ से जिनको आपको लेना है वो भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले टॉप ऑर्डर की बात करें तो इनके टॉप ऑर्डर के दोनों ओपनर्स दोस्तों यहाँ पर फ्लॉप चल रहे हैं, तो इन पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ना ही दोस्तों एम वैन लेगिन के ऊपर फोकस करना है, ना ही निकोलस डेविन के ऊपर फोकस करना है। खास करके यहाँ पर एम वैन लेगिन पिछले 4-5 मुकाबले से तो पूरा फ्लॉप ही हुए हैं, और यहाँ पर डिवाइन की बात करें तो ये भी पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे, तो हो सके ये भी दोस्तों इस मुकाबले में फ्लॉप हो जाए तो सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे, तीन पर फोकस नहीं करना है। जे फ्रायलिंग की बात करें तो अगर आप लोग 4-5 ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो एक टीम में ले सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में 45 रन और 12 रन की पारी खेले हैं, और रिसेंट फॉर्म इनका कुछ खास रहा नहीं है, पिछले मुकाबले में मात्र 1 रन। उससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं इरास्मस की, तो इरास्मस एकमात्र है जो कि अच्छे फॉर्म में है, टॉप ऑर्डर से बैटिंग और बॉलिंग दोनों करा रहे हैं, रिसेंट में 13 रन, 2 विकेट, 52 रन, 2 विकेट, और पिछले मुकाबले में 36 रन, विकेट नहीं मिली। तो इनके कप्तान है, रिसेंट में भी कप्तानी पारी बहुत ही मैचेस में खेले हैं, तो यहाँ पर मिडल ऑर्डर से इंपॉर्टेंट रहेंगे, सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इनको आप लोग जरूर रखिएगा चाहे कोई भी टीम टॉस जीते। फिर डेविड वेस की बात करें तो ये भी बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली और उससे पहले 14 रन और उससे पहले 3 विकेट लिए हैं वर्ल्ड कप में ही, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, तो दोनों यहाँ पर आप लोग के मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे चाहे कोई भी टीम टॉस जीते, और आपको टॉप ऑर्डर पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जेजे स्मिथ की बात करें तो बैटिंग इनका ज़्यादा चांसेस मिला नहीं है तो दोस्तों उतने सेफ नहीं रहेंगे, तो इनके ऊपर भी फोकस नहीं करना है, पिछले मुकाबले में मात्र 3 रन बनाए थे। जेन ग्रीन भी दोस्तों आउट ऑफ फॉर्म है, रिसेंट में इनको देख सकते हैं ज़्यादा मौका मिला नहीं है, पिछले मुकाबले में 1 रन, 3 के ऊपर भी फोकस नहीं करना है।
अब बॉलर्स की बात करें तो आर ट्रंपलमैन इस मुकाबले के लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि पहले मुकाबले में 4 विकेट मिला था, फिर 1 विकेट, फिर इनको पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिला, तो ओवरऑल 3 मुकाबले में 5 विकेट लिए हैं, तो अच्छा फॉर्म में है, तो इनके ऊपर आप लोग ले सकते हैं, सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी यहाँ पर बी स्कॉट्स की बात करें तो 3 मुकाबले में लगातार इनको 1-1 विकेट मिला है, तो यहाँ पर ट्रंपलमैन को ले सकते हैं, नहीं तो इन दोनों में से किसी एक को जरूर रखिएगा। और यहाँ पर बेन सिकागोंग और यहाँ पर ब्रेसेल दोनों आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो दोनों सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे, तो इनके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। तो यहाँ पर टॉप से दोस्तों इरास्मस और डेविड वेस्ट को लेना है, नीचे से ट्रंपलमैन और स्कॉट दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, नहीं तो दोनों को ले सकते हैं। तो इन 4 प्लेयर्स पर आपको केवल फोकस करना है नामीबिया की तरफ से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के ऊपर, तो मैंने सारा रिकॉर्ड लिख रखा है यहाँ पर, देख सकते हैं रिसेंट फॉर्म में। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी हमारी टीम कॉम्बिनेशन जो निकल कर आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, इंग्लैंड का पगड़ा बहुत ही ज्यादा भारी है, तो उसी हिसाब से मैंने टीम बनाई है। जो हमारे कप्तान रहेंगे जोफ्रा आर्चर, क्योंकि पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे 3 ओवर, और यहाँ पर मैं रे स्टोपली को वाइस कैप्टन किया हूँ, जो कि 2 ओवर पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे। कैप्टन दोस्तों मैंने बॉलर्स को बनाया है, और ये सोचकर मैं टीम बना रहा हूँ कि इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग कराएगी, और अगर बाई चांस इंग्लैंड की टीम पहले दोस्तों बैटिंग करती है तो ये जो हमारी टीम है सेम रहेगी, एक दो बदलाव हो सकते हैं, और कैप्टन वाइस कैप्टन फिर हमारे बॉलर्स नहीं रहेंगे, तो उसके लिए आप सभी को टेलीग्राम पर जुड़ जाना है। और यहाँ पर मैं बैटिंग सेक्शन से जॉस बटलर, फिलिप सॉल्ट को लिया हूँ, और फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आएंगे विल जैक, तो टॉप के तीनों मैंने बैट्समैन को लिया है। और यहाँ पर मैं जैसे मैंने बताया डेविड वेस को मैं लेकर चलूंगा, फिर यहाँ पर इरास्मस को, दोनों को मैंने लिया है, मोहन अली को मैंने लिया है एज अ ऑलराउंडर, बॉलिंग सेक्शन से जोफ्रा आर्चर, रे स्टोपली और मार्क वुड को, और एक स्पिनर यहाँ पर बॉलिंग से आदिल रशीद को मैंने लिया है, और इधर से आर ट्रंपलमैन को लेकर चल रहा हूँ। तो टोटल मैंने नामीबिया की तरफ से 3 प्लेयर को लिया है, डेविड वेस, इरास्मस और आर ट्रंपलमैन, और इंग्लैंड की तरफ से 8 प्लेयर। तो दोस्तों ये होगी हमारी यहाँ पर इंग्लैंड की मतलब पूरी टीम कॉम्बिनेशन इस मुकाबले की, अगर इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग कराती है तो, और अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करेगी तो यहाँ पर दोस्तों मैं मार्क हुड की जगह पर क्या करूंगा, चाहे दोस्तों रे स्टोपली की जगह पर मैं यहाँ पर जॉनी ब्रेस्टो को रख लूंगा, और जो हमारे कप्तान रहेंगे यहाँ पर जॉस बटलर रहेंगे, और फिर वाइस कप्तान दोस्तों मैं एक बॉलर को करूंगा। तो उसके लिए आप सभी को टेलीग्राम पर जुड़ जानी है फाइनल टीम के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके टेलीग्राम पर फटाफट से जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।